हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद नागौरी। तो आज हम एक नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस स्टॉक में मुझे एक पोटेंशियल लगा तो मैंने इसमें एक इन्वेस्टमेंट की कॉल ली है। आप भी अपने हिसाब से देख लेना, अपने एडवाइज़र से बात करके कोई भी कॉल लीजिएगा। ये एक एडुकेशनल वीडियो है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टॉक प्राइस मेरे बोलने के बाद में, मेरे एनालिसिस के बाद में नीचे भी जा सकता है, तो उस हिसाब से आप अपने इस एडवाइस से बात करेंगे, कोई भी डिसीजन ले लीजिएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसका पहले फंडामेंटल देखते हैं, फिर इसका टेक्निकल पे आएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। ऑफ लेट क्योंकि सामने लोकसभा इलेक्शन है तो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट सब्सिडी रहेगी फर्टिलाइजर्स वगैरह में। तो क्योंकि गुजरात स्टेट की है ये कंपनी, तो फर्टिलाइजर्स में जैसे सब्सिडी रहेगी तो सेल भी बढ़नी चाहिए और उस हिसाब से कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेल भी जो है बढ़ने की उम्मीद है। और सब्सिडी भी आएगी तो उसमें एक सेल पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आएगा, बायर्स को भी उसमें, फार्मर्स को भी लाभ होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो इसको, मैं इसीलिए इस पे एक स्टेक लिया हूँ। तो कंपनी आप देख सकते हो 1962 की है, गवर्नमेंट कंपनी है गुजरात गवर्नमेंट की, और करंट प्राइस 241 है और इसका बुक वैल्यू अब देखो 307 है। तो अभी ऑफ लेट गवर्नमेंट कंपनीज काफ़ी चल भी रही हैं तो ये बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है। तो इसका आप देखो बुक वैल्यू से 0.79 पे ये ट्रेड कर रही है, तो 307 एक टारगेट इसमें आराम से नज़र आ रहा है मुझे। बुक वैल्यू तक तो जाना बनता ही है, साथ में डिविडेंड भी है। तो ROC ROE आप देख सकते हो यहाँ पे 13.4% ROC है और 11% करीबन ROE है। और यही है मेन मेन इसमें खास बात जो यही है। और PE रेशियो आप देखो तो ये देखो, आप 10 साल का चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे ये मीडियन पी के जस्ट ऊपर अभी निकली है, और मुझे इसमें एक समझ लो कि ये इसका टॉप पी है 14-15 से, करीबन 15-16-15 के आसपास इसका टॉप पी है, और अभी ये 9.3 पे ट्रेड करी है। तो PE वाइज भी इसमें काफ़ी मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। और प्राइस बुक अगर देखें तो हाईएस्ट प्राइस बुक 1.1 का, जैसे मैंने बताया प्राइस बुक तक तो बुक वैल्यू तक तो जाना आराम से मतलब बनता है अभी जो सिचुएशन है। तो जो बुक वैल्यू है 307 की है, तो टेक्निकली भी इसके लेवल्स के आसपास या इसके ऊपर अपने आ रहा है लेवल्स, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट मतलब प्रमोटर का खुद का स्टेक इसमें है ऑलरेडी, करीबन 37-38% है। FIS का स्टेक आप देखो 20.69%, DIS का 3.16%, और पब्लिक होल्डिंग जो है थोड़ी सी घटी है रिसेंटली, रिसेंट क्वार्टर्स में। तो यही है इसमें खास, मोरलेस सेल इंक्रीजिंग है और सेल्स आप देख सकते हो ये ट्रेंड है, पिछले 3 साल में 14% ग्रोथ है, लेटेस्ट बेसिस पे 8%, और रिटर्न इक्विटी अभी लेटेस्ट 11% चल रही है। आने वाले समय पे जैसे कि इसमें सब्सिडी का जो गवर्नमेंट का प्लान है तो लोकसभा इलेक्शन के पहले इसमें काफ़ी अच्छी एक रैली आ सकती है। तो इसमें टेक्निकल अभी देख लेते हैं फटाफट से, मैंने इसमें चार्ट पैटर्न्स बना के रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2004 से लेकर के ये 2023, तो आप ये बैंड जो है इस बैंड पे ये इतने सालों से यहाँ पे है, 2004 से 23 मतलब 19 साल का ये बैंड है, 19 साल के बाद ये इस लेवल से इसने रिट्रेस करके यहाँ पे अपना ये यहाँ से निकली है ये कंपनी, इस बैंड से निकली है। तो काफ़ी लंबा पीरियड के बाद यहाँ से निकली है, तो इस ब्रेकआउट को काफ़ी मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, इतना लंबा कंसोलिडेशन मतलब मायने रखता है। तो इसमें क्या रहता है टेक्निकली, ये जो बैंड है उस बैंड का हम लोग ये डेप्थ जो है उसको हम लोग इवेल्यूएट किए हैं, इवेल्यूएट करके इसको यहाँ पे इस तरह से प्लॉट करना रहता है। तो ये जो सेकेंड बैंड जो बन रहा है ना, ये जो डेप्थ है ये इसका टारगेट बनता है। तो अब ये जैसे ये इस तरफ से यहाँ से ये बैंड के अंदर में जो मूव करेगी ना स्टॉक प्राइस,
तो ये इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इस बैंड को अगर टच करती है, अगर लेट टच करेगी तो ऊपर जाएगा, और अगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए, तो मुझे अगर यहाँ तक भी लगता है कि ये अगर मोटा मोटी यहाँ से चले, तो यहाँ से इसका गेन आप देख सकते हो, यहाँ पे 36% का यहाँ पे एक गेन यहाँ से इस लेवल से है। और एक बात मुझे इसमें कन्विंस हुआ है, इसमें काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये इस लेवल के बाद में भी एक और मूव ऊपर की तरफ आने का काफ़ी मुझे पोटेंशियल लग रहा है, तो वो मूव हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जब टारगेट आएगा ना, तब अपने को इस पर एक रिव्यू लेंगे। तो इसका फर्स्ट टारगेट मुझे जो है 330 के आसपास लग रहा है, सॉरी थ्री हाँ 330 के आसपास इसका फर्स्ट मूव लग रहा है, जो कि यहाँ से 36% का अपसेट पोटेंशियल दिखा रहा है। तो मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और मेरा कॉल काफ़ी मेरा इसमें स्टेक ऑलरेडी मैंने लेके रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसमें स्टेक लीजिएगा। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, और मैंने थोड़ा सा मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से एक अच्छा परसेंटेज इसमें मैंने डाल के रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है। तो आप अपने हिसाब से अपना रिस्क एपिटाइट देख करके कोई भी कॉल लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।